तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं राइड पे हिरनी फॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट मैंने यहाँ से अपना टैंक फुल कराया, और एक मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ हम लोग जाएंगे। तो चलिए शुरू कर। गजब बेइज्जती है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं चक्रधरपुर से, और यहाँ से लगभग 54 किलोमीटर है हिरनी फॉल। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो पे जो प्यार दिखाया वो बहुत ही अच्छा था, थैंक यू फॉर दैट। और ये मेरा सेकंड व्लॉग है, इसको भी आप अच्छे से देखें, पूरा वीडियो एंड तक देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अभी 2 बज रहा है, हमने लंच भी नहीं किया है, तो कुछ खाने का ले लेते हैं रुक के, क्योंकि आगे हो सकता है मिले या ना मिले, इसलिए अपना बैकअप लेके चलते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ से निकलते हैं कुछ सामान लेने के बाद। अब हम यहाँ से निकलते हैं। आज स्क्वाड नहीं बन पाया क्योंकि वो लोग को कुछ काम था, और देखते हैं गाइस संडे को अगर कुछ अपना स्क्वाड बन पाए तो आपको एक अच्छा लोकेशन पे लेके जाएंगे। गाइस, अभी हम नकटी पहुँचते हुए, और यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा डैम है। आपको नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश कर पाएंगे तो आपको एक वहाँ का भी व्लॉग बना के दिखा पाएंगे आपको। अगर आपको नकटी डैम का व्लॉग देखना है तो आप कमेंट करें नीचे और बताएं। ये रास्ता से अंदर जाने से आपको नकटी डैम मिलता है, नेक्स्ट व्लॉग में या आने वाला व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाएंगे। नकटी डैम बहुत ही प्यारा है, और ये सरंडा जंगल का पार्ट है। जैसे कि आप जानते होंगे सरंडा जंगल वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट है एशिया में। यहाँ पे बाइक चलाने में बहुत ही मज़ा आता है। सरंडा फॉरेस्ट जो है, आप गूगल करेंगे तो आप देख सकते हैं 800-900 किलोमीटर में स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा ही मतलब इसका एरिया है, और व्यूज भी बहुत अच्छा है यहाँ का। सीन देखें, कॉर्नरिंग करने में तो मज़ा ही अलग है यहाँ का। आई गेस कि सरंडा फॉरेस्ट का व्लॉग, मोटो व्लॉग मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई बनाया नहीं है। आई होप कि ये पहला मोटो व्लॉग होगा सरंडा फॉरेस्ट का, चकदापुर से हिरनी फॉल का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने अभी तक मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है तो वो जाके देख ले। अगर अपना स्क्वाड आता तो अलग ही मज़ा आता गाइस। अगर आप किसी को भी मेरे साथ चलना है राइड पे तो आप कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाए अच्छा अच्छा लोकेशन जो हमारे एरिया साइड है, और एक्सप्लोर करेंगे नए नए जगह। ये रोड में तो गाइस बाइक चलाने का मजा ही अलग है गाइस। अगर आप राइडर हो, आप राइड करते हो, तो एक ये रोड पे जरूर आए आप। ये रोड में बाइक चलाने का मजा ही अलग है, और यहाँ का ठंड भी बहुत ज्यादा है दिन के टाइम में ही। और गाइस, आपने अगर अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर ले। मैं अपने इंस्टाग्राम का आईडी मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप जाके फॉलो कर ले, आपको अच्छा अच्छा डेली अपडेट्स मिलेगा वहाँ पे, वीडियोस और फोटोज़ बाइक के रिलेटेड। और ये रोड जो है ये बिल्कुल ट्रैक की तरह बना हुआ है, रेसिंग ट्रैक की तरह, लेकिन आप वैसा गाड़ी ना चलाए क्योंकि यहाँ पे अचानक से देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है यहाँ पे, इसलिए आप आए कभी भी आराम से चलाए। आप वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे, व्यूज तो अच्छा जा रहा गाइज, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उससे क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी मोटिवेट रहेंगे, और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़
हम बना के लाएंगे। यह हम इंटर करते हुए हिरनी फॉल, वेलकम टू हिरनी फॉल। ये रास्ता आपका रांची चला जाएगा और यहाँ से अब हम इंटरिंग लेते हैं हिरनी फॉल। देखिए कुछ लोग आ रहे हैं पिकनिक करके, क्योंकि अभी मंथ ही अभी वही चल रहा है पिकनिक वाला, और ये रास्ता आपको हिरनी फॉल तक लेके जाएगा। ये है एंट्री गेट, आप देख सकते हैं पब्लिक अब पहुंची हुई है। ये हम यहाँ पे अपना एंट्री करते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हिरनी फॉल, आप देख सकते हैं ये एंट्री है, यहाँ से भी हम जाएंगे अंदर, आपको दिखाएंगे क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप चलिए आपको दिखाते हैं आगे का सीन। बाइक अभी हम यहाँ पे लगा दिए पार्किंग में, ये बाइक का एरिया है, और अगर आप कार से आते तो ये कार का पार्किंग। चलिए गाइस आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, बहुत सारी पब्लिक आई हुई है पिकनिक के लिए। वहाँ पे भी देखिए बहुत ही प्यारा फॉल है, और अगर आपको देखना है गाइस तो आप एक नज़र में ये व्यू देखिए, यहाँ का फॉल देखिए, इधर ये सरेंडा फॉरेस्ट का सबसे प्यारा फॉल है हिरनी फॉल। एक ये रास्ता है गाइस जिसमें मेहनत ज़्यादा है, तो हम लोग वही करते हैं जिसमें मेहनत ज़्यादा होता है, और एक वो रास्ता है गाइस जो सीढ़ी बना हुआ है, उधर से भी आप आ सकते हैं, ये हम लोग को मेहनत करना जरूरी है। तो चलिए गाइस आपको हम कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं इस फॉल का, तो आप इंजॉय करें वीडियो को। तो चलिए गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू मिला, बहुत ही अच्छा सीन मिला। सो गाइस आप कभी भी आए बाइक पे तो हेलमेट अपना ज़रूर लगा के आए, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ़ यू गाइस डिड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और जितने लोग अभी मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी नहीं किए जाके फॉलो कर ले, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन में दिखता होगा। सो गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे मेरे वीडियोज़ को, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। See you guys.